सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी इस कानून का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में हैं। यहाँ के बेलूर मठ से PM ने इस कानून को लेकर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया और बिना नाम लिए ममता बनर्जी सहित विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि लेने के लिए। PM ने कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो भगवान को मानता हो या ना मानता, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। PM मोदी ने और क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सिर्फ अमेंडमेंट एक्ट में हम नागरिकता दे ही रहे हैं, किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति, भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। ये आपको साफ साफ समझ आया कि नहीं आया? समझ गए ना? जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो भी समझ गए ना? जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीति खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद PM मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। PM मोदी ने करप्शन का मुद्दा उठाया, बिना नाम लिए CM ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा कि कट मनी नहीं होने, सिंडिकेट के नहीं चलने की वजह से केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं, और जब सीधा पहुंचता है कट मिलता नहीं, सिंडिकेट का चलता नहीं, लागू करेगा। लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहेगा, मैं हमेशा चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, नीति निर्धारकों को ईश्वर सद्बुद्धि दे और गरीबों को बीमारी में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना और किसानों की जिंदगी में सुख और शांति का रास्ता पक्का हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मेरे बंगाल के गरीबों को मिले, मेरे बंगाल के किसानों को मिले, और बंगाल की जनता का मिजाज मैं जानता हूं, भलीभांति जानता हूं। बंगाल की जनता की ताकत है कि अब इन योजनाओं से लोगों को वंचित कोई नहीं रख पाएगा। PM मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की। PM मोदी ने कहा,
मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के औद्योगिकरण के प्रणेता, पश्चिम बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहेब आम्बेडकर को याद करता हूं। दोनों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नीतियाँ दी। बाबा साहेब ने देश की पहली जल संसाधन नीति दी थी। देश में नदी घाटी परियोजनाओं और पोर्ट के विकास का श्रेय इन दोनों लोगों को जाता है। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।